Students, so 14th sum we are doing from CBSE Reader, Applications of Trigonometry. So the concept is equally important for SSC and everyone, Applications of Trigonometry. So 1.2 meter tall girl spots a balloon moving. तो यहाँ पे girl दिख रही, यहाँ पे खड़ी है देखो, उसका हाइट दिया देखो ऐसे एरो मार्क डाल के, ये 1.2 मीटर है नीचे, कितना? अभी वो वहां पे खड़ी थी तो एकदम देखी, अरे बलून दिखा उसको, तो यहाँ पे उसको बलून ऐसे दिखा, ये बलून दिखा, मीन शी स्टैंडिंग हियर शी कुड सी फ्रॉम हर आईज, उसके आंख से ये बनाए, उसके आंख से शी कुड सी दैट एलिवेशन फ्रॉम हर आईज. सो फ्रॉम हर आईज मीन्स फ्रॉम हर आईज वी शुड ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन. So, हम लोग इधर से ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल लाइन, कहां से? उसके आई से, बिकॉज शी इज सीइंग द बलून. सो आई से बनाए तो वहां पे एंगल फॉर्म होगा. एंगल कहां पे फॉर्म होगा? आई से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और आई से जो बलून को देख रहे हैं वहां पे, ये आई इधर है तो उसका एंगल फॉर्म होगा. तो पहले बलून को देखेगा तो यहाँ पे, तो एंड द बलून कितना मीटर हाइट है कहते ग्राउंड से? तो हाँ, बलून यहाँ है ना, ये जो बलून यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो क्यों बताया सर? पहले बलून इधर ही है, वो जाते 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 ऐसा आगे जा रहा स्ट्रेट, वो तो बलून इज मूविंग फॉरवर्ड. दो बलून नहीं, एक ही है, बट तो आफ्टर सम टाइम इफ शी सॉ ना द बलून वाज नॉट देयर, इट वाज जस्ट मूविंग अहेड. ओके, सो द बलून चाहे ये डिस्टेंस बोलो या ये डिस्टेंस बोलो, फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड बोलते यहाँ से जहाँ पे गर्ल खड़ी है ना, वहां से 88.2 मीटर हाइट पे है बलून. कितने हाइट पे है? तो अगर इसमें से मैं गर्ल का हाइट हटा दूं 1.2 मीटर, 88.2 में से 1.2 निकाल देता हूं, सो 88.2 में से 1.2 इफ आई सबट्रैक्ट 87.0 मींस, तो यहां से लेके कहां तक मैं बता रहा हूं, देखो ये मार्किंग कर रहा हूं, ये वाला यहां तक ही बस, जमीन तक नहीं, वो 87 मीटर है. सर वो 87 क्यों चाहिए? अपन जब राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ना, अपने को 88.2 नहीं चाहिए, अपने को 87 चाहिए. बताओ राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है ना, आंख से ऊपर से बन रहा है, समझ वो. सो नाउ द सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री. आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री. नजदीक में कभी भी एंगल बड़ा रहता, दूर जाएंगे तो एंगल छोटा हो जाता. So, जब गर्ल शी सॉ द फर्स्ट टाइम द बलून हियर दिस साइड, शी कुड सी दैट एंगल इज हाउ मच, सो ये बड़ा, तो वहां से एक स्ट्रेट लाइन बलून से एकदम स्ट्रेट लाइन बनाया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. फ्रॉम हर आईज व्हेन शी सॉ आफ्टर सम टाइम द बलून जस्ट मूविंग ए फार, दूर गया. अब ये एंगल कितना उसको दिख रहा है? 30 डिग्री. सो नाउ देयर आर टू ट्रायंगल्स, वी कैन नेम इट, सो आई एम जस्ट नेमिंग इट ए बी सी एंड दिस इज डी, दिस ई, ये दोनों ई के पास मीट हो रहे. तो राइट एंगल ट्राइंगल दो है, इसमें कोई बोल सकता नाम क्या है? एक ए बी सी है, ए ए डी ई, करेक्ट, ए डी ई. ये दोनों ट्राइंगल लेंगे तो अपने को फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी ही इज आस्किंग यू बी डी, ही इज आस्किंग यू डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून. तो ये यहां से बलून यहां से वहां तक चला, तो हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड, बीडी ही ट्रेवल्ड, हाउ मच बलून डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, अपने को बीडी ढूंढना है. तो सर कैसे मिलेगा? पहले एडी ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे? एडी ढूंढेंगे, फिर एबी ढूंढेंगे, एडी में से एबी सबट्रैक्ट करे तो ऐसा, समझ आ रहा? तो यहां देखो मैं कर रहा हूं, मेरे साथ करो, सो प्लीज डू इट. इन राइट ट्राइंगल एबीडी था क्या, वो नहीं क्या था, एबीसी, एबीसी में सुनो ना एक बार, एबीसी में tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट इज बीसी एंड एडजेसेंट इज एबी एंड बीसी वी नो 87 बिकॉज ये ईडी भी 87 है, बीसी भी. Don't take 88.2, वो गर्ल का हाइट माइनस करना, याद रखना 1.2. सुने आप? तो 87 लेना ट्रायंगल का लिए जब. ओके, तो tan 60 इज इक्वल टू एबीसी ट्रायंगल ना,
ए बी सी, एक मिनट इसको सी करेंगे, टेन सिक्सटी इज इक्वल टू क्या था वो, बी सी बाई ए बी ना, टेन सिक्सटी इज रूट थ्री, बी सी इज 87 बाई ए बी, ए बी आ जाता स्टूडेंट तुम लोग को, तो ए बी इधर रूट थ्री हियर, ए बी हियर, सो 87 बाई रूट थ्री, रेशनाइजिंग करना, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना, सो ए बी इज इक्वल टू 87 रूट थ्री बाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज थ्री, थ्री वन जा थ्री टू जा थ्री नाइन जा, सो ए बी इज इक्वल टू 29 रूट थ्री मीटर सेंटीमीटर मीटर। एक हो गया ट्राइंगल, आराम से कर लिए। नेक्स्ट बाजू में कर रहा हूं, और एक ट्राइंगल का नाम क्या है बोला मैं, इन राइट ट्राइंगल ए डी ई टेन 30 लेना है, राइट टेन 30 में क्या क्या साइड लेंगे, ऑपोजिट ई डी, ऑपोजिट ये ना देखो ई डी, हाँ ये ट्राइंगल ले रहे अपन, कौन सा समझ आ रहा है, मैं रेड पेन से मार्क बनाया था, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो tan 30 is equal to इसके opposite side कौन सा, 87 वाला ED, and adjacent is AD पूरा, adjacent क्या है, तो triangle में adjacent को तो जो base है तो पूरा लेना, तो ED by AD is equal to ED by tan 30 is 1 by ED is 87, AD नहीं मालूम, AD मालूम क्या, तो AD is equal to meter। अब अपने को तो BD चाहिए ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून इज इक्वल टू AD माइनस AB, तो 87 रूट 3 माइनस 29 रूट 3 तो कितना हुआ, 58 रूट 3 मीटर आ गया। सबट्रैक्ट कैसे करें, रूट 3 तो वैसे ही रहता, सिर्फ नंबर नंबर सबट्रैक्ट कर लेना, अब रूट 3 की वैल्यू मालूम है तो लगा दो, कभी भी याद रख सकते हैं, 1.732 भी ले सकते हैं, 1.73 भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया मीटर लिख दो, ठीक है ना, कैन यू मल्टीप्लाई,